शमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Excuse me. अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? Bye baby. Namaste Benji. Namaste Lallu. Hi guys. What's up? ये जो गई वो कहीं? हाँ, मेरी बहन पूजा की सहेली यार। यार मीत, मैं आज तक समझा नहीं तेरा ये फॉर्मूला हमेशा चलता कैसे है? अबे बहुत सिंपल है यार। पूजा से ज़्यादा आम नाम तुझे इस देश में मिलेगा नहीं। अगर तू रोड पे खड़े रह के पूजा चिल्लाएगा ना तो 10 आगे खड़ी हो जाएंगी। हर लड़की के किसी न किसी दोस्त का नाम पूजा होता ही है, तो मैं बन जाता हूँ पूजा का भैया और फिर उसकी दोस्त का सैया। यार तेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर तेरा नाम मीत रखा है। जिस लड़की को मीत करता है ना उसका मीत बन जाता है। तू तो मेरा फंडा जानता ही है यार। और दिन सुबह होते ही बदलने चाहिए। अब बस हाँ, खुद की लाल करना बंद कर। यार तुम दोनों अपनी छोड़ो यार। मैं सुबह से 10 बार दूल्हे का यूनिफॉर्म ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अबे होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी के साथ ना सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग आते हैं बल्कि एक और रिंग भी आता है। कौन सी? सफर रिंग। इसलिए मेरे दोस्त आज की रात दिल खोल कर जी ले, क्योंकि कल सुबह होते ही तू तो गया रे। और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं। 1 घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे। कम ऑन दम लगा। ओह माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदी तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे की नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था, सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं? मोटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोलकर सुन ले। कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा 1.5 पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने 1.5 पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। हाँ। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ? हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब खर्ची, 20 रुपया ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए और वापस आने के लिए। हाँ और कॉफी। शट अप। लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है। हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है। लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो। मुझे तो ये सांस मिली है, कमबख्त जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहाँ कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता है यार। यानी कि तू तो उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुन, पता है आज रात गीता और मैंने फिल्म साथ में देखने का प्लान बनाया है। हर नाइट सैल्यूट है राव। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज़ ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई चीज़ों की खोज एक्सपेरिमेंट से तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे। पर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं? पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दूं? क्या मेरा गला? अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रखकर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत, तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का, तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार, तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले 1 महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण यानी कि 1 महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण बनकर नाचेगा। अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। देखो गाइस, जू के पिंजरे में कैद बंदर और ज्यादातर शादीशुदा आदमी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों गुलाटी चाहे जितनी मारना चाहे, चढ़ने के लिए पिंजरे में एक ही पेड़ होता है बेचारे। तो तू क्या अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो? अबे नहीं बच्चू, आंचल और मैं तो अपने प्यार के आशियाने में रहते हैं। तू तो मुझे जानता है, लड़की और कड़की, मीत का बाल भी माँ का नहीं कर सकती। अच्छा तो तेरे बाल ऐसे चप्पट कैसे हो गए? जो इंसान बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से अपने बाल कटवाता हो ना, उसे क्या मालूम नए हेयर स्टाइल्स के बारे में? हाँ, दिस लुक इज इन ड्यूड्स। यानी कि हर रोज बुफे खाने वाला मीत आज एक ही डिश से खुश है? अरे नहीं यार, आंचल कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है। वो तो वो विश है जो ऊपर वाले से हर मर्द मांगता है, लेकिन वो देता है सिर्फ कुछ खुशनसीबों को। अरे क्या अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है यार। हाँ, ना रोकना ना टोकना, ना खिटखिट ना खिटपिट। वो मुझे इतना स्पेस देती है, इतना स्पेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे धरती पर हूँ और वो ऊपर स्पेस में। हेलो जानू, नो जानू, पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है। लाइफ इज सो शॉर्ट, और इस शॉर्ट लाइफ में मैं तुम्हारे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन, तुम्हारे मुंह से निकली एक भी बात, तुम्हारे साथ गुजारा एक भी पल नहीं मिस करना चाहती। आई लव यू सो मच, लव मी नो। फिर से? अभी अभी तो आधे घंटे पहले कहा था ना। आधा घंटा? पता है आधे घंटे में क्या क्या हो जाता है? आधे घंटे में टीवी सीरियल का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। आधे घंटे में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है। आधा घंटा तो क्या, तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती है जानू। आधा गिलास पानी देना। अबे झूठा था। यू लव मी? आई लव यू। और जोर से कहो ताकि सबको सुनाई दे। हेलो 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 हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। बस खुश, बहुत खुश। अब मैं जा सकता हूँ प्लीज? ओके जानू, मैं फिर से फोन करूंगी। हाँ बाय। हेलो मिस मी? ओके ओके बाय। हेलो कहाँ हो तुम? आंचल पता है कितनी देर हो गई है? हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम। वहाँ बेटर है जस्ट। हेलो हेलो पट्टू, हेलो ये तो बोल रहा था कि इसकी बीवी उसको बहुत स्पेस देती है। तो बार बार फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो, हाँ बोलो जानू। हेलो जानू, जानू कहाँ हो तुम? मैं यही अमर प्रेम और मीत के साथ नहीं हूँ। सच्ची? मैं भी वहाँ आ जाऊँ, इसी बहाने उन दोनों से भी मिल लूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं भी घर आ रहा हूँ जल्दी प्लीज। ओके जानू, बट यू लव मी नो? हाँ आई लव यू। यू मिस मी नो? हाँ आई मिस यू। Bye. Okay, bye. तुम्हें आंचल? Is this any way to behave? यही सिखाया मैंने तुम्हें। बार-बार इन छोटी बातों के लिए तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? समझाया था ना? जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो। मैं जब तक चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ घर से बाहर रहूँगा, अंडरस्टैंड? तुम सो जाओ। बसलून बराबर बनता है साला। क्या? तू नहीं समझेगा यार। मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, अगर दोबारा फोन किया ना अपनी बीवी पर ड्रॉप जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तू। क्या जरूरत थी ये सब करने की मेरे दोस्त? क्यों मैंने झूठ कहा कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है। अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, उस सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है। इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो, सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे। दोस्त ये जो मेरे चप्पू बाल है ना ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त। पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से कटवाए मेरी बीवी ने ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में न सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम से कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर, किशन और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान, किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी पैर बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं WWF की जोड़ी है। जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियां परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है, एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ। नहीं प्रेम, आइडिया नहीं प्लीज। जब भी तेरी आंखों में ये लुक देखता हूँ ना, अरे यार ये फिर से मारोगे हमको। हाँ, जब भी तेरी बातें सुनते सारे बाल्टी भर भर के आंसू रोने पड़ते हैं। तो क्या कुछ कम रो रहे क्या? सोचो, एक खूबसूरत लड़की ने गुजरते हुए हमें मुस्कुरा क्या दिया कि हम तीनों सीना तान के खड़े हो गए। लेकिन जरा सोचो अगर ऐसी कोई लड़की ने मुस्कुराने के बाद हमसे तो प्यारी बातें करती तो क्या होता, हमसे गले लगती तो क्या होता, हमें चुम्मा देती तो क्या होता। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? हाँ। वही कि हम सब हफ्ते में सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाते हैं या नहीं जाते? हाँ। कभी सोचा है क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि घर का खाना खा खा कर आदमी थक जाता है। उसे भी कभी कभी बाहर की स्पेशल बिरयानी खाने की जरूरत होती है, वरना वही की दाल खा खा कर उसे उस दाल से नफरत होने लगती है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब की शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है। अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी। नहीं। मतलब कि अगर घरवाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढकर ऐश किया जाए। Let's have an affair, guys! पागल हो गया ये। अबे सटक गई तेरी। अरे मरवाएगा हमको चल। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में मस्ती दोबारा लाने का यही एक तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। Don't get me wrong, we love our wives. लेकिन इस वक्त हमें किसी और के प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि किसी और के साथ अफेयर करने से हम सबकी शादी सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला तो मेरी शादी बिगड़ने के लिए रहेगी ही नहीं। अफेयर? ऐसे कैसे अफेयर कर ले यार? अरे अफेयर करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, लड़की की। ये तू कह रहा है मीत, तू बदलता था यार था। अरे अब भी कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त। तू एक बार मैदान में उतर के तो देख। मैदान में जितने भी मेडन थे ना, हाँ सब कूद कूद कर तेरे साथ खेलने आएंगी। क्या बात कर रहा है यार। वैसे प्रेम तुझे सही कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार जिंदगी में तू सही बोल रहा है। ऑलवेज। मीत तू भी पार्टी चेंज। नहीं बात तो सुन यार। देख मैंने सुना है जब एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है ना तो उसकी गलती का एहसास उसे काटने को दौड़ता है, और उस एहसास की वजह से वो अपनी बीवी से प्यार करने का और उसे खुश रखने की डबल कोशिश करता है। हाँ, और शायद प्रेम की बात मानने से और किसी लड़की के साथ अफेयर करने से हम भी अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार करने लगे, यू नो। हाँ हाँ, कितनी कमीनी फिलॉसफी है तुम्हारी यार। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। हाँ। तो आज एक फैसला करते हैं, आज से लेकर अगले 1 महीने तक हम लोग घर की दाल नहीं खाएंगे। करेक्ट। और एक ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जिसमें हमें बिरयानी भी मिले और बोटी भी। Yes. और 1 महीने के बाद दोबारा मिलकर एक दूसरे को बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी बार और कितने मजे से बाहर का खाना खाया। या, लेकिन अबे क्या लेकिन तू इतना फट्टू क्यों है रे? कम ऑन अमर, पिंजरे से बाहर निकल और जंगल का राजा बन। राजा तगड़ा। बिंदिया का फोन। मैं तो बोलता हूँ फोन काट। हाँ अमर, क्या काट दे फोन, वरना ये फोन अगले 1 महीने तक तेरे रास्ते का कांटा बनकर तुझे चुभेगा। काट। लेकिन कैसे काटूं यार? काट मेरे शेर काट। कम ऑन अमर, हिम्मत कर, काट दे फोन। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. Hi. Good morning, sir. Good morning. शीतल एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? जी सर। मैंने पूछा क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ सर, बहुत 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 खुश हूँ। तो फिर वो प्यारी सी मुस्कान कहाँ है जिसे देखते ही मैंने तुम्हें हंसते हंसते इस जॉब पर रख लिया था? हाँ। Beautiful. अरे डॉक्टर साहब रुकिए तो सही। क्या इस दिन भी आप जल्दी भाग गए थे और आपका और प्रेम का ठीक तरह से मिलन भी नहीं हो पाया। जितना हुआ काफी था। अरे डॉक्टर साहब इतनी छोटी सी मुलाकात में आपने उसके दिल पे इतना बड़ा इंप्रेशन किया कि पूछे मत। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद आपके नाम की माला जप रहा था वो। चेहरे पे क्या लाइट है, बॉडी कितनी टाइट है, वो तो आपका दीवाना हो गया और आपसे मिलना भी चाहता है। क्यों क्यों क्यों? कोई प्रॉब्लम है और आपके हाथों अपना इलाज करवाने के लिए बेकरार है डॉक्टर साहब। उसके लिए अपॉइंटमेंट लूं? हाँ लो। नहीं नहीं नहीं, बिजी हूं बिजी हूं। फुल है फुल है फुल है, सारा महीना फुल है मेरा, मतलब सारी जिंदगी फुल है साहब। डॉक्टर साहब रुकिए, सुनिए मेरी बात। नहीं डॉक्टर साहब। वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो। नहीं भगवान, इसकी मत सुनना, उसे मेरे पास लाना। लेले, अब बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ अकाउंट, आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूँगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दी। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को? ओह गॉड, एक्चुअली शाम को मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, यू नो, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूंगी। बिल्कुल अकेली? तो फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पासबुक और चेकबुक लेकर मैं आपके घर आ जाऊंगा। रात को। Really? Of course. How sweet. आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगी? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है? ये तो हमारे बैंक की खासियत है। Room to room. I'm sorry, but door to door service. बस आप अपना address दे दीजिए। Oh sure, why not? Thanks. Okay. प्रेम बाबू, हमारा wife भी out of town है। किसके साथ? You're right. वेंकटेश्वरा। आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी। वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा। आप कितने अच्छे हैं। और अकेला भी। आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मेरा अकेलापन दूर करना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लेना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखने। मैं बस यों गया और यों आया। Come on, Meet. You can do it. अरे मुझे तो लगा था इतने सालों की सुस्ती के बाद तूने संग पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं। You're still the best. Come on. यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे शीतल के साथ देख लिया तो मेरी जिंदगी का केबल कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा। भाग मीत, टेबल के नीचे। जानू। मर गया मीत। जानू। जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम यहाँ? मैं तो वो बाथरूम जाने के लिए आया था ना। क्या है कि हमारे शोरूम का बाथरूम खराब हो गया, इसलिए यहाँ आया था। बहुत अच्छा बाथरूम है। वेरी गुड, वाह क्या बाथरूम। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा क्यों? I missed you, no जानू। चलो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? अच्छा, मुझे तो बहुत बुरी सर्दी है। सर्दी? हाँ। चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो कहीं चलो यार। Excuse me sir, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बिल? बिल? कैसा अजीब रेस्टोरेंट है, बाथरूम जाने के लिए बिल लगता है। बिल यहाँ नहीं, टेबल पर दो। टेबल पर दो बिल। क्या जानते हो तुम लोग? कहाँ नहीं जानते हो? जाओ टेबल पर बिल दो। तुम चलो ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चलती है। तुम यहाँ क्यों आए? अरे जानू कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हो। Excuse me मैडम, your bill please. बिल? बिल तो वो देंगे। कौन? वो। तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हेलो डॉक्टर। हेलो। अब आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? बेटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होनी भी चाहिए, आखिर आप इतने फिट हैं, इतने चुस्त हैं। Really? Of course. जब शर्ट में से इतने कट्स नजर आते हैं तो बगैर शर्ट के तो आप। आइए लेटी ना, I mean बैठी ना। Sure. डॉक्टर साहब, आज आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा, जो कुछ भी करना है बस खत्म कर दीजिए। Of course. वैसे क्या लग रही हैं आप, क्या फिगर मेंटेन किया आपने, कमाल लग रही हैं आप। कहाँ मेंटेन किया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, छू कर देखिए ना, देखिए ना। मैं से मोटापा नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि now there is more of you to love. So sweet. आपको ना एक औरत के सारे राइट बटन दबाना अच्छी तरह से आता है ना? मुँह खोलिए। हाँ हाँ। Hi. Hi. How are you? Very well, thank you. आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे आप जैसे beauty के लिए मैं तो दौड़ा चला आया। Really? Yes. How sweet. Thanks. ये रहा आपका पासबुक और चेकबुक। पासबुक अपने पास रहने दीजिए, चलिए बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम? हाँ, बहुत अच्छा बेडरूम है आपका, इतना रूम है, बेड भी है। How cute. बहुत गर्म है अब मेरा तो, बहुत नरम है आपका बेड। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी नाजुक हूँ, इसलिए मुझे ज्यादातर नरम चीजें पसंद है। नरम? सिवाय कड़क चाय के। यहाँ कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहुत गर्मी है। तो कपड़े क्यों नहीं उतार देते? क्या? रिलैक्स। और ये गर्मा गर्म दूध। मैं यूं गई और यूं आई। पियो ना। अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले दूध ही लेना है तो ले ले, दूध ले ले, टिंग टिंग टिंग। कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मत छुआ करो। आप नाराज क्यों होते हैं? बहुत थके लग रहे हैं। हाँ हूँ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखा है, थोड़ा सा पी लीजिए। दूध? हाँ दूध, नया ब्रांड है, लेले दूध। लेले अलग अलग स्वाद है, स्ट्रॉबेरी मिलता है, दूध है। मैंने कहा ना मैडम, एक बार जो चीज हमने बेच दी हम एक्सचेंज नहीं करते। शीतल, जरा एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। मैं कस्टमर के साथ जरा बिजी हूँ। अच्छा सुनो तो, फिर लंच टाइम में रेस्टोरेंट में चल के बात करें। आज मैं अपना खाने का डब्बा घर से लेकर आई हूँ, बट थैंक यू एनीवेज। अरे मेरी बात तो सुनो। ओह सॉरी। मस्ती। देखिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। I'm really sorry मैडम, मैं ये हार एक्सचेंज नहीं कर सकती। कर दो। जी सर। एक्सचेंज इट। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी। हमारी कंपनी की सिर्फ एक पॉलिसी है। The customer is just. Huh? I mean, the customer is always right. जाओ बदल के लाओ। क्या है ना कि वो हार उतना कीमती नहीं है जितना कि आप। जी? ग्राहक भगवान होता है ना, उसकी तो पूजा की जाती है। पूजा से याद आया, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? हाँ? पूजा? हाँ। आप पूजा की बहन? हाँ और तुम? I'm Monika. Monika. Oh my God! कितने बदल गया तुम। तुम भी। मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। जैसी भी हो, कमाल की हो। तुम्हें याद है हम पिछली बार रॉकी के पार्टी पे मिले थे? रॉकी? हाँ याद है याद है। हाँ। और तुमने इतनी शराब पी थी कि तुमने अपनी पैंट उतार कर अपने हरे कच्चे में स्विमिंग पूल में कूद लिया था। और तुमने इतनी उल्टी की कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कभी-कभी हो जाता है ना। वो लड़की का नाम क्या? सपना। सपना? तुमने सपना की स्कर्ट और उसने कस के तुम्हें टमाटर मारा था और तुम्हारा गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। क्यूट लग रहे थे। श्रेली आकाश, तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। इनका नाम आकाश नहीं मीत है। अगर इनका नाम आकाश नहीं तो मैं भी कोई पूजा वूजा की सहेली नहीं। जी? जी हाँ। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। थैंक यू। सी यू। सी यू मोनिका। बंदी बढ़िया को क्लोरोफॉर्म सुंघा के सुला देता हूँ। साली WWF की बच्ची है। कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है? कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। कौन है? अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो कहा है ना कि हमारी भैसन माँ जरा सुबह देरी से उठी ना, इसीलिए। अजीब फैसन माँ की भैसन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ। ये दूध वाले भैया, ये कोई तरीका है दूध बेचने का? What nonsense! दूध वाले एक तो गलत टाइम पे आता है, गलत काम करता है। Open! Yeah! You wanted to mess with me. Yeah! You want to mess with me? तुमने एक सेफ्ट में कितना टाइम लगता है? यार मम्मी को फिल्म दिखाने ले गया, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा खुला रखा और तुम दोनों अब तक चोरी करके घर से निकले नहीं। ओह नो, तुम दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन दिया था ना। शिट, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हट, तेरे साथ कभी चोरी नहीं करूंगा। ये नहीं, ये वाला पे। ये ना यार। पीछे से वार करता है। क्या टाइम पास करा, छुड़ाना अपने आप को काकी से। अबे बकवास बंद करो, मुझे छुड़ाना यार। ए बुढ़िया जरा छोड़ दे इसको, वरना देख मैं 3 तक गिरूंगा। देख 1 2 3 You got guts! Light किसने ऑफ कर दी? काली बुढ़ी बुढ़िया ने कुछ बदल दिया क्या? किधर हो? चड्डी पहनकर आते हो मुंह पर। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? चड्डी गैंग। पकड़ लिया। ये देखता क्या मारा काली काली को? मारा ये। Idiots! अपनी बैग निकाल ले। अबे भाड़ में क्या तेरा गोल्डन ग्लव यार? अपने आप को असली गैंग का मेंबर समझते हैं क्या? ऊपर से अगर अंडरटेकर की माँ आई तो हम सबकी हड्डी पसली एक कर देगी। एक बात बताओ दोस्तों, we have done it. Yes, we have done it. अच्छा भागो। चोर! बिंदु! भाड़ में जाए, चल निकल यहाँ से। Nobody takes पंगा with me.